है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। तू चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आजमा ले तू उसको जरा। आजमा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुंचाएगा वो किनारा, पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु। उसे आपका ध्यान है। इससे पहले कि आप इस कार्यक्रम को बदलें, इस चैनल को बदलें, मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, और वो संदेश उससे आया है जिसको आपका ध्यान है। कोई है किसी को आपका ध्यान है। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी उम्र वाला ये बालक, और जिसको कोई इतना अनुभव भी नहीं है, ये हमें क्या सिखा सकता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कोई है आपके लिए जो आपकी चिंता करता है, जिसे आपका ध्यान है। जी हाँ, आप चाहे नौकरी पेशे वाले इंसान हैं, चाहे आप सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को घर आते हैं, चाहे आप बच्चे हैं, लेकिन आपको चिंता है। चाहे आप घर पे रहते हैं और आप कार्य करते हैं, घर का काम करते हैं, लेकिन आपको भी चिंता है। दुनिया में हर एक इंसान जो कि यहाँ पर रहता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है,
चाहे वो मुजरिम है, चाहे वो नैतिक है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम करता है, चाहे वो अच्छा काम करता है या बुरा काम करता, हर एक इंसान को चिंता है। आप तरह तरह के कार्यक्रम जो है टेलीविज़न पर देखते हैं, और आप कुछ देर के लिए फीचर फिल्म देखते हैं, तो फीचर फिल्म देखने के बाद आपको थोड़ा सा आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद थोड़े देर के लिए है। आप और प्रोग्राम देखते हैं, जैसे कि कोई सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, उससे भी आपको आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद थोड़े पल का फिर चला जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आपके चिंता के बारे में है, और उसके बारे में है जो आपकी चिंता करता है, जिसे आपका ध्यान है, और मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपकी चिंता करता है। सो इससे पहले कि आप इसको बदलें, इस कार्यक्रम को बदलें, इस चैनल को बदलें, अगर आपके जीवन में चिंता है, अगर आपके जीवन में परेशानी है, अगर आपके जीवन में दुख है, तो ये कार्यक्रम आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि ये दिन, ये समय हमारी ओर से मुकर्रर नहीं किया गया है। ये समय मेरे बारे में नहीं है, ये कार्यक्रम मेरे बारे में नहीं है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो मेरे बारे में नहीं है, आपके बारे में है, और उसके बारे में है जो आपकी चिंता करता है। इसलिए कि अगर आप चिंता से, परेशानी से, दुख से, मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये आज का दिन उसने आपकी ज़िंदगी में मुकर्रर किया है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये महज कोई ऐसा पल नहीं है कि ये प्रोग्राम आएगा और चले जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये कार्यक्रम आपकी ज़िंदगी में आपकी चिंता को, परेशानी को जो है दूर कर सकता है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। हर एक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में क्या है, परेशानी है, लेकिन एक ऐसा कोई है जो आपकी चिंता करता है, जिसे आपका ध्यान है, और वो है आपका परमेश्वर। जी हाँ, वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ, या मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ, लेकिन वो तो कुछ नहीं करता, मेरी परेशानी वैसे की वैसे ही है, मेरा दुख वैसे का वैसे ही है, मेरी तकलीफ़ वैसे की वैसे ही है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी जो है बदलाव नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कार्य क्यों नहीं करता। बहुत से लोगों को जब मैं ये बताता हूं कि वो उनके जीवन में परेशानी है और वो परेशानी परमेश्वर दूर कर सकता है, तो हर एक इंसान मुझे यही बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करता, उनके लिए ये कहानी बहुत ही समझने के लिए योग्य है। एक बार की बात है, एक इंसान था जो कि परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो इंसान, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, उसका एक मित्र था जो कि एक नाई था, जिससे वो बाल कटवाने के लिए जाता था। वो अक्सर उस नाई के पास जाता था जो उसका मित्र था। एक दिन उसके मन में आया कि आज भी मैं चलो बाल कटवाने के लिए उसके पास जाता हूँ, लेकिन जो नाई था वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला था। और जब भी वो इंसान जो परमेश्वर पर विश्वास करता था उसके पास बाल कटवाने के लिए आता था, तो वो अक्सर उसको परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता था कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता या परमेश्वर नहीं है। इस बार एक बार फिर जो है ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला भाई उसके पास बाल कटवाने के लिए जाता है, अपनी सीट पे बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो बाल काटना जो है उसके शुरू कर देता है। जैसे वो बाल काट रहा हुआ वो एक बार से फिर से वो बातें करने शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर नहीं है। एक बार जो मसीह भाई जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, वो उससे कहता है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। तो वो बाल काटने वाला इंसान, वो नाई, उससे कहता है कि अगर परमेश्वर होता तो इस दुनिया में दुख तकलीफें नहीं होती, अगर परमेश्वर होता तो इस दुनिया में लोगों को परेशानी नहीं होती, अगर परमेश्वर होता तो इस दुनिया में लोगों को बीमारी नहीं होती, अगर परमेश्वर होता तो लोगों को इतना जूझना नहीं पड़ता, अगर परमेश्वर होता तो लोग दुख में नहीं होते। क्यों दुख है, क्यों परेशानी है, क्यों बीमारी है, क्या वजह है? अगर परमेश्वर है तो वो इन चीज़ों को दूर क्यों नहीं कर रहा? वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला भाई कुछ जवाब नहीं देता, वो चुपचाप बैठा रहता है, और वो उसके बाल काटना ख़त्म करता है, वो वहाँ से उठता है, उसको पैसे देता है, और पैसे देने के बाद वो गेट से बाहर जाने वाला होता है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, वो सड़क पे देखता है कि एक बूढ़ा इंसान जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है और लंबे लंबे बाल है,
उसको देखता है और फिर वापस जो है दरवाजे के अंदर आ जाता है। और दरवाजे के अंदर आने के बाद वो जो है जो उसका दोस्त जो है मित्र जो है नाई है जो बाल काटने वाला उससे कहता है कि मैं नहीं विश्वास करता कि इस दुनिया में नाई होते हैं। उसका मित्र जो नाई है वो फिर हैरान हो गया, कहता कैसी बात कर रहा है तू। कहता हाँ मैं नहीं मानता हूँ कि इस दुनिया में नाई होते हैं। कहता कि मैं नाई हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैंने अभी अभी तेरे बाल काटे हैं और तू कह रहा है कि नाई नहीं होते। कहता हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि नाई नहीं होते। कहता यार अजीब तरीके का इंसान है तू, अभी मैंने तेरे बाल काटे हैं और तू कह रहा है कि नाई नहीं होते। कहता अगर इस दुनिया में नाई होते तो ये तेरी दुकान के सामने जो बूढ़ा बैठा है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं वो बिना ये बाल जो है दाढ़ी हो जो कटी हुई होती अगर इस दुनिया में नाई होते। वो नाई जो है फिर से उसके पास देखने लगता है और उसको कहने लगता है कि यार अजीब इंसान है तू, मैंने अभी तेरे बाल काटे और मैं नाई हूँ, लेकिन तू इस बूढ़े की जो बात कर रहा है वो सामने बैठा है, मैं उसको जानता हूँ कि उसकी दाढ़ी भी लंबी है उसके बाल भी लंबे हैं और उसको कटवाने चाहिए, लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसके बाल कैसे काटूँगा। उसको ज़रूरत है कि वो मेरे पास आए और मुझको कहे कि मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है, तभी मैं उसके बाल जो है वो काटूँगा। इसी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करने वाला भाई उसको कहता है कि इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया में परमेश्वर नहीं है। जिन लोगों को दुख है, जिन लोगों को तकलीफ है, जिन लोगों को परेशानी है, उन लोगों को परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। जब तक वो खुद परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो उनका दुख, उनके तकलीफ, उनकी परेशानियाँ, उनकी बीमारियाँ जो है वो दूर नहीं हो सकती। जैसे बाल कटवाने को आपके पास आने की ज़रूरत है, वैसे ही दुख, परेशानी और मुसीबत से भरे हुए इंसान को परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वह चिंता करता है और उसे ध्यान है जो मुसीबत में है, उसे ध्यान है जो बीमारी में है। अगर आज आप बीमारी में हैं, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, अगर आज किसी आर्थिक बोझ में हैं, तो मैं आपको दिलासा देना चाहता हूँ। मैं बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो कि पहला पत्रस और उसकी 5 और उसकी 7 में लिखा है। यहाँ पर ऐसे लिखा है जो कि परमेश्वर का वचन कहता है जो आपसे बात कर रहा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। और ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन आपको ये दिलासा देता है कि उसको जो है आपका ध्यान है। जी हाँ, इस बात को आज आप अपने दिमाग में रखें कि उसको आपका ध्यान है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं मेरी कि उसको आपका ध्यान है, आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर कैसे आपका ध्यान करता है। पहली बात कि उसको आपका ध्यान है क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। जी हाँ, इससे पहले कि आप इस दुनिया में जन्म लेते उसको आपका ध्यान था, इससे पहले कि आप अपने माता के गर्भ में जन्म लेते उसको आपका ध्यान है, इससे पहले कि इस धरती की नींव रखी गई थी उसको आपका ध्यान था, इससे पहले कि चांद सितारों को बनाया गया है बाइबल बताती है कि उसको आपका ध्यान था। जी हाँ, आप इस दुनिया में किसी इत्तफाक से नहीं आए हैं, आप इसलिए आए हैं क्योंकि उसको आपका ध्यान है। जी हाँ, परमेश्वर को आपका ध्यान है। आप इस दुनिया में हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपको योजना से नहीं इस दुनिया में लाया हो, क्योंकि कई बार माता पिता कहते हैं मैं तो बेटा चाहता था बेटी आ गई, मैं तो बेटी चाहती थी बेटा हो गया। कई बार अपने माता पिता जो है अपने बच्चों की योजना नहीं बनाते कि वो उनको जन्म देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इस बारे में जानता था कि आप इस दुनिया में आने वाले हैं और आपका जन्म होने वाला है क्योंकि उसको आपका ध्यान है। जी हाँ, आपके माता पिता गलती कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। आपको किस जगह पे जन्म लेना था ये परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था क्योंकि उसको आपका ध्यान है। परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था कि आपको किस देश में किस रंग का होना है, आपको किस शहर में जन्म लेना है, कौन से आपके माता पिता होंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, लेकिन आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि उसको जो है आपका ध्यान है। जी हाँ, उसको आपका ध्यान है। इससे पहले कि आप अपने बारे में कुछ जान सकते, अपने बारे में आप कुछ रख सकते कि आप क्यों आया है, कहाँ आया है, लेकिन उसको आपका ध्यान था,
उसने आपकी हड्डियों को बनते हुए देखा है आपके माता के गर्भ में, क्योंकि वो उसको बनाने वाला है, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। जी हाँ, वो आपके रंग को, वो आपके नस्ल को, वो आपके दिमाग को, वो आपके शरीर के एक एक अंग को जानता है। और इसी तरीके से मैं आपको दिलासा दे सकता हूँ कि वो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है, वो आपकी मुसीबतों को दूर कर सकता है, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। जी हाँ, वो आपके बारे में जानता है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमसे बहुत दूर है, लेकिन नहीं, वो आपके पास है और वो एक जीवित परमेश्वर है जो आपसे बात करना चाहता है। मैं आपके लिए एक पढ़ना चाहता हूँ, एक बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ जो कि आपके बारे में परमेश्वर जो क्या कहता है। मेरे ये बाइबल के इस पवित्र कलाम में लिखा है, जिसको भजन संहिता कहते हैं, और उसकी 139 में 2 से लेकर आगे तक मैं पढ़ूंगा, जिसमें परमेश्वर जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर के बारे में क्या कहता है और परमेश्वर कैसे जो है आपका ध्यान जो रखता है। जी हाँ, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि परमेश्वर वाक्य में आपके बहुत ही करीब है। मेरे साथ बहुत ही ध्यान से इस बात को और इन परमेश्वर के वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुन्द्र के पास जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में छिप जाऊंगा तो मेरे चारों ओर उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर से नहीं छुप सकते। परमेश्वर हमारे इतने करीब है कि वो हमारा उठना बैठना तक जानता है। वो हमारे इतने करीब है कि हमारे दिल की बातों को भी जानता है। वो हमारे इतने करीब है और हमारी इतनी चिंता करता है कि वो हमारे सब दुखों को हरना चाहता है। बाइबल बताती है कि उसने आपके सर के बालों तक को गिन रखा है। वो आपके एक एक बाल को जानता है कहाँ है और वो कितने हैं। कोई भी इंसान अपने सर के बालों को नहीं गिन सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि बाजार में 2 चिड़ियाँ 5 रुपए की बिकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। और ये भी लिखा है कि तुम उन चिड़ियों से कहीं ज़्यादा बढ़कर हो परमेश्वर के लिए, तो वो आपका कितना ध्यान रखेगा। वो आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप उस ध्यान रखने वाले परमेश्वर के पास आएं और उसको बताएं कि आपको दुख है, आपको मुसीबत है, आपको परेशानी है। मैं लगातार इस विषय में बात करता रहूँगा कि उसको आपका ध्यान है, उसको आपका ध्यान क्यों है और आपकी वो चिंता को कैसे हरता रहेगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम परिश्रम करने वालों, तुम बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की दुनिया में चाहे आप नौकरी पेशे करने वाले हैं, चाहे आप स्कूल जाने वाले इंसान हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपको शांति की ज़रूरत है, आपको आराम की ज़रूरत है। आप चाहे अमीर हैं, आप चाहे गरीब हैं, आप चाहे मशहूर हैं या आपको कोई भी नहीं जानता है, आप कोई भी इस दुनिया के इंसान हैं, हर एक इंसान अपने जीवन में जो है शांति की और आराम की जो है खोज करता है। और वो शांति और आराम इस दुनिया में लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलता। बहुत से लोग इसको पैसे में ढूंढते हैं, बहुत से लोग इसको अय्याशी में ढूंढते हैं, बहुत से लोग इसको अपने दोस्तों में, परिवार में रहकर ढूंढते हैं, लेकिन वो कभी नहीं ढूंढ पाते, कभी नहीं मिल पाते, उसको मिल सकता। लेकिन परमेश्वर हमें ये दिलासा देता है, ये आश्वासन देता है कि उसे आपका ध्यान है और वो आपकी चिंताओं को हरता जाता है। और परमेश्वर जैसे जैसे आपसे बात करेगा, आपको पता लगता जाएगा कि वो आपका ध्यान कैसे रखता है और क्यों रखता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो कि एक इंसान के बारे में है जो कि मेरे ही शहर का था, और आप उसके जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर लोगों का ध्यान रखता है। जी हाँ, एक इंसान था जिसका नाम कमल था, जो कि लुधियाना शहर का रहने वाला था। बहुत अमीर इंसान था
उसके जीवन में पैसा था, उसके जीवन में परिवार वाले थे, उसके जीवन में सब कुछ था। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई परमेश्वर का दास उसके पास आता है उसको बताने के लिए कि आप परमेश्वर के बारे में सीखे, तो वो हमेशा उनको जो भगा देता था और वो कहता था कि भाग जाओ। उसके पास कुछ लोग मेरे जैसे या अन्य लोग आते थे और उसको बताते थे कि एक ऐसा परमेश्वर है जो आपका ध्यान रखता है, जिसको आपके बारे में चिंता है, वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन वो हर बार जो है उनको भगा देता था और घर से निकलने को कह देता था कि कहता कि मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे बाजुओं में बल है, मैं पैसा कमाता हूँ और मैं अपने पैसे से अपने परिवार वालों को सब कुछ देता हूँ। मैं इनको पैसा देता हूँ, ये खुश हैं और मुझसे प्यार करते हैं। अगर मुझे इस दुनिया में ज़रूरत है तो सिर्फ पैसे की है और उससे मैं खुश हूँ। और उनको वो हमेशा भगा देता था और वो तरह तरह की जगहों में जाकर तरह तरह के लोगों के पास उसका उठना बैठना था, लेकिन वो परमेश्वर की कभी भी चिंता नहीं करता था। लेकिन उसके जीवन में ऐसा पल आया कि वो बहुत ही बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसका जो है काम काज जो बंद हो गया और उसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। जब उसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा तो उसके बहुत से पैसे जो है लगने लग गए और उसका काम जो है बंद हो गया, क्योंकि वो खुद उसका मालिक है और वो काम नहीं कर रहा, वो हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ से जो पैसा उनके पास है वो हॉस्पिटल में लगता गया। भारत में उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम आपको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आपको विदेश जाना पड़ेगा ताकि वहाँ से आप जो ठीक हो जाएं। उसको विदेश में ले जाया गया। विदेश में आप जानते हैं कि और ज़्यादा खर्चा होता है। जो भी उसके पास था उसको बेच बाच कर वो सारा धन इकट्ठा करके वो विदेश गए और वहाँ से महंगे हॉस्पिटल में महंगे से महंगे डॉक्टरों के पास उन्होंने उसका इलाज कराया। लेकिन बाद में सभी ने उसको मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आप जी नहीं पाएंगे। उसके सारा शरीर जो है सूज गया था और मोटा हो गया था और वो ना हिल सकता था ना डुल सकता था। वो उसको भारत उसके रिश्तेदार वापस लेकर आ गए, उसको घर में रख दिया। जब उसको घर में रख दिया तो घर में वो पड़ा था, ना हिल सकता है ना डुल सकता है, और वो वहाँ पे परेशान पड़ा है, दुख में पड़ा है। जिस समय उसके पास पैसा था, जिस समय उसके पास शोहरत थी, जिस समय उसके पास दौलत थी, तो उसके घर वाले उससे प्यार करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वो अपने घर वालों के लिए एक बोझ बन गया था और उसके घर वाले ये बातें करने लग गए थे कि अब इसका क्या करें। और वो इंसान जो सारी ज़िंदगी अपने परिवार वालों के लिए पैसा कमाता रहा, अपना पसीना बहाता रहा और इस घमंड में रहता रहा कि मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, आज दुख और मुसीबत में और अकेला था। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने, उसके खुद के घर वालों ने ये फैसला लिया कि अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। जी हाँ, अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे और इसको घर से बाहर फेंक देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अपने सके रिश्तेदारों ने, उसके परिवार वालों ने उसको उठाया और उसको उठा कर जाकर रोड के किनारे रख दिया, क्योंकि वो मरने वाला था। वो ना हिल सकता है ना डुल सकता है। अब वो उसकी ज़्यादा सेवा नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी बीमारी में पहले ही बहुत पैसा लग चुका है और अगर अब भी सारा पैसा लगा देंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसको जो है सड़क पर रख देते हैं और वो चले जाते हैं। सड़क के ऊपर चूहे जो है उसके शरीर को नोच रहे हैं, कौवे आके उसके शरीर को नोच रहे हैं। वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। उसका इस वक्त सारा घमंड खत्म हो चुका है। वो मरने की कगार पे है, उसको कोई नहीं देख रहा। उस मरने की हालत में उसको ध्यान आता है कि कुछ लोग थे जो मेरी चिंता करते थे। वो मेरे घर में आते थे और मुझसे कहते थे कि एक परमेश्वर है जिसको आपका ध्यान है। उसको उन लोगों के बारे में ध्यान आया और उसने मन में ही ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर तुझको मेरा ध्यान है, मुझे ठीक कर दे। अगर तू मुझे ठीक कर देगा तो मैं अपना सारा जीवन तुझे दे दूंगा। वो इंसान रोड के किनारे पड़ा है जो परमेश्वर से दूर भागता था, आज परमेश्वर को याद करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो परमेश्वर को भूल चुका था, परमेश्वर ने उसको नहीं भूला था। जी हाँ, जैसे उसने ये प्रार्थना की, कुछ लोग जो उसके घर में आते थे उन्होंने उसको रोड के किनारे देख लिया। चाहे वो उनको घर से भगाता था, लेकिन वो उसको उठा कर लेके गए, अपने उन्होंने घर में रखा और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जब उसको प्रार्थना करने लगे वो ठीक हो गया। आज वो भाई लोगों को ठीक करता है। जी हाँ,
वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है और उनको वो ठीक करता है। जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से तो बीमार लोग ठीक होते हैं और वो लोगों को बताता है कि परमेश्वर उनकी चिंता करता है, परमेश्वर को उसका ध्यान है। जी हाँ, जो इंसान परमेश्वर से भागता था आज वो लोगों को बताता है कि वो उनकी चिंता करता है और उसे उनको ध्यान है। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे शहर के एक इंसान की है। यहाँ ऐसी तरीके की बहुत सी कहानियाँ हैं जिसमें लोग जो है परमेश्वर के करीब आते हैं। आज मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, अगर आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि उसे आपका ध्यान है और वो आपका परमेश्वर है। उसे ध्यान है क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, आपका बनाने वाला है। जैसे अगर आप एक पिता हैं, आपको अपने बच्चों का ध्यान है, उसी तरीके से आपको उसने बनाया है और उसको आपका ध्यान है और वो आपको हमेशा के लिए अच्छा रखना चाहता है, वो हमेशा के लिए आपको सुखी देखना चाहता है, वो आपको मुक्ति देना चाहता है और वो आपको ऐसा रास्ता देना चाहता है जिसमें सुख हो। जी हाँ, परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। जैसे हम लगातार बातें करते रहेंगे इस विषय के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों आपका ध्यान रखता है और वो क्यों आपके लिए चिंता करता है। आप अपने सारे दुख और बोझ उसके ऊपर डाल दें। मैं एक छोटी सी प्रार्थना जो है आपके लिए करना चाहूँगा ताकि आप में अगर कोई भी दुख है, परेशानी है, तो वो आपकी दूर हो सके और आप अपने आप को परमेश्वर के पास महसूस कर सकें। आइए मेरे साथ अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। ए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम आपका नाम ले सकते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। परमेश्वर, मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस वक्त दुख में है, परेशानी में है और तकलीफ में है। परमेश्वर, चाहे वो आर्थिक संकट है, चाहे वो शारीरिक संकट है, चाहे वो आत्मिक संकट है परमेश्वर, लेकिन हमारे पास आपका ये वायदा है कि आपको हमारा ध्यान है और मैं उन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप उनकी रक्षा करें और उनको सुखी करें, उनकी मुसीबतों को दूर करें और उनको ये आश्वासन दें कि उनको आपका ध्यान है और आप उनके बारे में जो है चिंता करते हैं। परमेश्वर, आप उनके दिलों को बदले ताकि वो आपके पास और नज़दीक आए और आपको जान सके। इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपके नाम से मांगता हूँ।